लाल लाया राफेल, घर और देश भर में खुशी की लहर। भारतीय वायु सीमा में 5 लड़ाकू राफेल विमान दाखिल हो चुके हैं। राफेल विमान अंबाला एयरबेस में सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। विमानों के स्वागत के लिए बेस पर वाटर सैल्यूट दिया जा रहा है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भारत लाने वाले 5 पायलटों में से एक मैनपुरी के लाल मोहल्ला देवपुरा निवासी विंग कमांडर दीपक चौहान भी शामिल हैं। दुखहरण सिंह चौहान और कमलेश चौहान के 5 बेटों में सबसे छोटे दीपक चौहान शुरू से ही पढ़ने में बहुत मेधावी रहे हैं। विंग कमांडर दीपक चौहान की मां कमलेश चौहान ने बताया कि वर्ष 2003 में एनडीए की परीक्षा में इंडिया टॉप किया था। विंग कमांडर दीपक चौहान की पत्नी स्नेहा चौहान आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। विंग कमांडर दीपक चौहान की मां कमलेश चौहान ने बताया कि उनके परिवार के लोग दीपक की इस शानदार उपलब्धि से बहुत खुश हैं, लेकिन कोरोना के चलते उनके यहां कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। मैम, क्या नाम है आपका? कमलेश। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपके बेटे ने पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, मैनपुरी का नाम भी पूरे देश में रोशन कर दिया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपकी जब उनसे बात हुई थी, जब वो फ्रांस थे, तब उनके अंदर आपको कैसा उत्साह लग रहा था, कैसी खुशी दिखाई दे रही थी? बहुत उत्साहित था, बहुत अच्छी, बहुत खुश था। तो मैम, ये खबर सुनने के बाद आप लोगों ने अपनी खुशी किस तरीके से मनाई? हम लोगों ने टीवी नहीं छोड़ी है 3 दिन से, कुछ हम भी मना नहीं पाए। खुश तो है ही, हमारी पूरी फैमिली खुश है, सब आपस में मोबाइल से बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? दुखहरण सिंह चौहान। सर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपके बेटे ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत गर्व हो रहा है। देश का नाम महसूस, वो देश का नाम विकसित किया और उसके साथ साथ मंत्री और परिवार का नाम रोशन किया। सर, क्या जेट उड़ाने से पहले या फिर जब जेट यहाँ पे लैंड हुआ उसके बाद आपकी उनसे कोई बात हुई थी? वैसे आपकी उनसे कोई फ़ोन पे बात हुई थी जेट उड़ाने से पहले या जब यहाँ लैंड हुआ था जेट? पहले तो बात होती रहती थी, फ्रांस भी था तब। जी जी। और आने के दौरान में कोई बात नहीं। उससे पहले उन्होंने आपको बताया हुआ कि वो राफेल उड़ाने जा रहे हैं, कैसा उत्साह था उन्हें? सभी को मालूम था, जैसा ही यहाँ पर आ रहे हैं उससे 2 दिन पहले वहाँ से चले गए, आप भी रुकेंगे तो आपने इस खुशी को किस तरीके से मनाया? कोरोना की वजह से खुशी मनाई नहीं पा रहे हैं। हमारा परिवार तो खुश है, लेकिन हमारा परिवार कई जगह डिवाइड है, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना चौहान है। आप दीपक जी के कौन लगते हैं? दीपक की मैं भाभी हूँ और हम लोग बहुत ही खुश हैं आज, और हम 3 दिन तक टीवी के सामने से बिल्कुल भी नहीं हटे हैं, बराबर न्यूज़ देख रहे हैं। उनका फेस भी दिखाया गया था, वो हम लोगों ने उसको स्क्रीन शॉट भी लिया था उसका। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बता नहीं सकते आपको हम लोग कितना खुश हैं। तो आप अपने खुशी यहाँ पे कैसे मना रहे हैं? हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, अभी बाकी लोग सब बाहर हैं, तो हम लोग सब से फ़ोन पे कॉन्टेक्ट किए हुए हैं, और थोड़ा सा माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा नहीं, वरना हम सारे मोहल्ले के साथ में मनाना चाहते थे कि हम सभी लोग सेलिब्रेट करें, मिठाई हम सबको खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं, हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे।